नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कृष्णा। मेरे ऑर्गेनिक गार्डनिंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, अच्छे अच्छे कार्यों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, एक बहुत बढ़िया वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ। मैं अपना पॉट तैयार कर रही हूँ। आजकल मेरा काम सिर्फ मिट्टी को स्टरलाइज़ करके और पॉट तैयार करना ही हो है। तो इसकी मिट्टी गमला खाली हो गया था, इसको मैंने खाली करके इसको मिट्टी स्टरलाइज हो गई है। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें रखी हैं अपना पॉट भरने के लिए। सूखी पत्तियाँ हैं यहाँ पर, ये किचन वेस्ट है थोड़ा सा, ये राख है, और यहाँ पर ये हल्दी है। और यहाँ पर ये क्या बीज है दोस्तों, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगी। और ये पक्षी भी मेरे साथ वीडियो बनाने बैठे हुए हैं और अपनी बात बोल रहे हैं, बट हम उनकी बात भले समझ ना रहे हों लेकिन वो इन्वॉल्व हो रहे हैं हमारे वीडियो में। तो उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी। और यहीं पर देखिए, ये थोड़ी सी नीम खदी मेरे को मिल गई। तो दोस्तों, किस तरह से हम अपना पॉट तैयार करें, ये देखिए टोटल ऑर्गेनिक तरीके से हम अपना पॉट तैयार करेंगे। ये क्योंकि फाइबर इस तरह का थैला टाइप का है, इसमें ड्रेनेज होल की ज़रूरत होती नहीं है, इसमें अपने आप से ही पानी ड्रेन आउट हो जाता है। तो शुरुआत हम करेंगे इस सूखी पत्तियों से। तो सूखी पत्तियां हम भर लेते हैं। ये पत्तियां मैंने माली भैया से एक बोरा मंगवा लिया था, तो जब भी हम उनको फ़ोन करते हैं वो आ जाते हैं। तो देखिए, पत्तियां पानी होल्ड भी करेंगी और अपने जो भी पत्तियों के न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी हमें देते रहेंगी। तो इसके बाद हमने एक हल्की लेयर लगाई है पत्तियों की। और हल्की लेयर लगाने का रीज़न यही है कि दोस्तों, ये हैं तो सूखी बट इनको डिकम्पोज होने में कम से कम 3 से 4 महीने लग जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसका बहुत अच्छा तरीका ये है कि हल्की हल्की हम लेयरिंग करेंगे। ऊपर से थोड़ी मिट्टी ज़रूर डालते जाएंगे। मिट्टी डालने का ये है, मिट्टी जो है बहुत अच्छा डिकम्पोज़र होता है। मिट्टी में हम कुछ भी दबा देते हैं, 15 दिन बाद वहाँ पर दिखता नहीं है। तो लाइट हम रखेंगे तो जल्दी जल्दी पत्तियाँ डिकम्पोज होंगी, इनको 3 महीने का समय नहीं लगेगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर डाल दिया सूखा कचरा, अब यहीं पर मैं डाल रही हूँ हल्का सा गीला कचरा। वो हल्का हल्का डालेंगे, मौसम भी गर्मी का है तो सब कुछ बढ़िया से डिकम्पोज हो जाएगा। ये मैंने कल ही डाला है, तरबूज के वो हैं काट दिए हैं छिलके। और इसके बाद फिर हम थोड़ा सा ड्राई मैटर डालेंगे, और ड्राई तो सभी कुछ है दोस्तों यहाँ पर। और डालेंगे थोड़ी सी इसमें नीम खली भी, कि साथ में इसमें कोई भी फंगस वगैरह नहीं आए। और साथ में डालेंगे थोड़ी सी राख भी, जो सब अपना अपना, ये पता नहीं किस किस चीज़ों की राख है, लकड़ी की राख है ये। और ये कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स देंगे इसका हमें कोई अंदाज नहीं है। डालेंगे अब फिर मिट्टी, ये देखिए डालेंगे मिट्टी डिकम्पोजर। ये साथ में हम हटाते भी जाएंगे कुछ कबाड़ को, और ये देखिए इसको फैलाते भी जाएंगे। कोई अगर खरपतवार आ रहा हो तो उसको हम हटाते जाएंगे। तो देखिए, इस तरह से मिट्टी को फोड़ते भी जा रहे हैं। नहीं अगर हो रही है तो इसको हटा दिया मैंने, क्योंकि हमें मिट्टी को भुरभुरी बनानी है, पोरस बनानी है। तो हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डालेंगे जो डिकम्पोज नहीं हो रही है। तो देखिए, अच्छी लेयर मैंने मिट्टी की लगा दी है। फिर डालते हैं हम इसमें अपना गीला कचरा, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे। अगर हम अपने इस गीले कचरे को काट देते हैं, बारीक कर देते हैं, तो उतनी ही जल्दी ये डिकम्पोज होने लगेगा। और अगर हम इसको बड़े टुकड़ों में रखेंगे तो इसको डिकम्पोज होने में टाइम लगेगा। यहाँ पर एक गत्ते का टुकड़ा भी आ गया है, तो इसको भी हम डाल सकते हैं। अब आते हैं हम अपने सूखी पत्तियों में। तो इस तरह से हम अपने लेयरिंग करते जाएंगे।
फिर से डालते हैं इसमें मिट्टी। तो मेरे अमूमन सारे पॉट इसी तरीके से भरे हैं, डाल रही हूँ थोड़ी सी इसमें राख भी डाल दे रहे हैं। थोड़ी सी डाल देंगे इसमें हल्दी भी, तो इस तरह से ये ऑर्गेनिक मेरा पॉट तैयार हो रहा है। बहुत ही हल्दी की अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है, राख की भी अपनी ही खुशबू होती है। तो ये हमारा पूरी तरह से ऑर्गेनिक पॉट तैयार होता जा रहा है। और जब हम इस तरह से ऑर्गेनिक तरीके से हम अपनी खेती करते हैं तो इसमें हमें डिकम्पोज पॉलिनेशन की कोई समस्या मुझे तो नहीं आती है, क्योंकि काफ़ी इसमें पॉलिनेशन वाले जो कीट होते हैं, भौरे हैं, तितलियां हैं, ये सब हमारे मेरे गार्डन में आते रहते हैं। जहां अभी बरसात होएगी वहां पॉलिनेशन वाले कीट आएंगे, और अब सवेर भी आ रहे होंगे। इस समय गर्मी है तो टाइम लगता है, गर्मी में सब सुबह से अपना आ जाते हैं। कोयल देखिए अपनी गाना गाने में लगी है। डाल देते हैं थोड़ी सी नीम खली भी, सब ऑर्गेनिक मैटर अपना अपना काम करता चलता जाएगा। फिर डालते हैं इसमें हम ऑर्गेनिक यही डिकम्पोज करने के लिए अपना गीला कचरा। और इस तरह से जब हम अपनी गार्डनिंग करते हैं तो इस कचरे को हम बाहर ना फेंके, हम कहीं ना कहीं अपने वातावरण को भी शुद्ध करते हैं, अपनी भागीदारी निभाते हैं। तो इस तरह से देखें ये मेरा गीला कचरा भी इसमें आता जा रहा है। गीले कचरे को मैं कम ही लगा रही हूँ ताकि जल्दी से जल्दी ये डिकम्पोज हो। इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा राख छिड़क रही हूँ। तो आप देख रहे हैं ना, लेयरिंग करते करते हमारा पॉट काफ़ी न्यूट्रिएंट से भरता जा रहा है। अब इसमें अगर मैं बराबर खाद ना भी दूं, महीने दो महीने तीन महीने में ही मैं खाद दूं, तो मेरे को दिक्कत की कोई बात नहीं, क्योंकि और ये देखिए यहाँ पर मैं पॉलिथीन में मिट्टी और गीला कचरा जमा कर करके मैं काफ़ी वो पन्नी अक्सर से भी भर देती हूँ अपने गीले कचरे को मिट्टी भर करके। आप देख रहे हैं, तो इसको मुझे लगता है दो महीना हो रहा है तो ये भी अच्छा खासा डिकम्पोज हो रहा है। आप देख रहे हैं तो मटर के छिलके सब्जियों का पूरा छिलका आ रहा है, तो इसको मैं हटा दूँगी। जहाँ पर कुछ कबाड़ है उसको हटा के चलती हूँ। तो देखिए ये दो महीने में डिकम्पोज हुई, सेम ही डिकम्पोज ये खाद ही है दोस्तों, है ना। तो इसको भी इसमें हम मिला रहे हैं। गोबर खाद इस समय मेरे पास नहीं है, तो गोबर खाद की बजाय ये मेरा समझ लीजिए ये है पत्तियों वाली खाद या चिकन वेस्ट की खाद, सेम ही डिकम्पोज खाद। देखिए ये देख रहे हैं टेक्सचर भी एकदम काला हो गया है। डाल देते हैं इसमें मिट्टी, जो थोड़ा बहुत डिकम्पोज होने के लिए रह गया होगा तो वो भी अब डिकम्पोज हो जाएगा। इस कचरे को मैं रख लेती हूँ क्योंकि अब इतना बहुत है, अब इसको कहीं और मैं रखूँगी। डालते हैं यहाँ पर हल्दी, यहीं पर डालते हैं अब राख। अब इसको पानी तौर पे भर लेते हैं मिट्टी से। इस तरह से जब हम पॉट भरते हैं तो हमें न तो चिंता होती है बार बार खाद देने की, न चिंता होती है हमें पॉलिनेशन की। और बार बार जिस तरह से हमने इसमें गुड़ाई करने की भी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मिट्टी काफ़ी भुरभुरी बनेगी नीचे से ऊपर तक। ओरिजिनल ऑर्गेनिक मैटर देखिए सब, ये मौसम्बी वगैरह हैं, संतरे वगैरह के छिलके हैं, तो ये सारे अपने अपने न्यूट्रिएंट्स देंगे इस गमले को। और इस तरह से ये बहुत ही रुच मिट्टी बन जाएगी, भुरभुरी मिट्टी बन जाएगी। तो हमें बार बार इसमें
गुड़ाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार मिट्टी बनाने में हमें मेहनत करनी पड़ती है, वो भी सब कुछ हमें घर में मिल जाता है। सूखी पत्तियाँ अगर आपके पास नहीं हो तो कागज़ वगैरह आप डाल सकें, और साथ में आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे किचन वेस्ट को सुखा लें, छाए में सुखा लें किचन वेस्ट को, तो वो हमें सूखी पत्तियों का ही काम देगा। तो उसको हम भर देंगे सूखी पत्तियों की जगह, तो बस इस तरह से मिलेगी। और गमला तैयार है, तो इस तरह से भरने से देखिए गमला भी हल्का ही है, ज़्यादा कुछ भारी नहीं। मैं आपको उठा के दिखा रही हूँ, ये देखिए इसको हम कहीं का भी कैरी कर सकते हैं। अब ये धीरे धीरे नीचे दबेगा, तो मैं सूखी पत्ती और मिट्टी से ही, गार्डन सॉइल से ही इस गमले में थोड़ी मिट्टी और बढ़ाऊंगी। अब डाल देंगे इसमें हम पानी, तो देखिए पानी के लिए हम जाएंगे अपनी टंकी के पास, और इस पॉट को मैं छाए में ले जाऊंगी। देखिए इस पॉट को मैं 3-4 दिन सेटल होने के लिए रख लूंगी, और उसके बाद मैं इसमें कोई भी बीज लगा बो दूंगी, क्योंकि अब क्योंकि गर्मियां हैं, छाए में रखूंगी और बीज लगा दूंगी और पौधा मेरा तैयार होता रहेगा। तो आइए देखिए पानी डालते हैं। अच्छे से इसमें पानी दे देंगे, नीचे से नीचे तक हो जाए। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको पानी दे दिया है, और बस इसमें रखूंगी मैं, कैरी करना भी कितना सरल हो रखा है। उठा के नीचे ले जाएंगे इसको, और नीचे से पानी निकलने लग गया है इसका, तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छा गमला मेरा तैयार हो गया है। और आइए दिखाती हूँ आपको, अभी मैंने बीज दिखाए थे आपको, तो ये बीज काहे के हैं दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ। ये अगर आप पहचान पा रहे हो तो ये देखिए काहे के हैं, अंदाज़ लगाइए ज़रा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये बीज है सहजन के। जी हाँ, सहजन के